लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। गोवा का राज्य तब से बना, तब से यहाँ अस्थिरता का माहौल। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा को स्थिरता और विकास दोनों देने का काम किया है 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार। और इसलिए मैं रोक टोक कैसे सारी योजनाओं का एनालिसिस करें। टीका सबसे पहले 100% गोवा में लगता है, इसके साथ साथ भारत सरकार की सारी योजनाएं 100% जल से नल की दिशा में भी आगे बढ़े हैं। मुफ्त गरीबों को अनाज देने में भी बहुत परफेक्शन आया है। शौचालय देने का काम भी 100% पूरा कर लिया गया है। बिजली देने का काम घरों में 100% पूरा कर दिया गया है। ये विकास के सारे आयामों पे ढेर सारे काम 10 साल में, पहले मनोहर पर्रिकर, फिर लक्ष्मीकांत जी और अब प्रमोद जी, ये तीनों की जो सातत्यपूर्ण विकास यात्रा रही, इसके कारण हुआ। और मैं कहता हूं कि हर चुनौती को गोवा सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से पार कर कोरोना का सामना भी देश में सबसे अच्छे तरीके से करने वाले राज्यों में गोवा प्रथम पंक्ति में है, इसे मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं। हर गरीब को भस्म घर मिले, इसके लिए भी पूरी योजना बनाई है। 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए हैं। राज्य में टेली कनेक्टिविटी के सुधार के लिए ढेर सारे निर्णय करे, 200 मोबाइल टावर प्रस्तापित किए हैं। आईटी पेशेवरों के लिए स्टार्टअप, यहाँ गोवा स्टार्टअप का सेंटर बना हुआ है और ढेर सारे स्टार्टअप के लिए वैश्विक हॉटस्पॉट बनाने की तैयारी भी गोवा कर रहा है। मुझे विश्वास है इसमें हमें जरूर सफलता मिलेगी। मित्रों, मोपा हवाई अड्डे का निर्माण 3500 करोड़ रुपए के साथ बन रहा है। कांग्रेस सालों से बात करती थी, भारतीय जनता पार्टी 1 साल के बाद इसको पूरा कर गोवा को नजराने के रूप में देने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य संस्कृति है, जिससे औद्योगिक निवेश भी आएगा, पर्यटन भी बढ़ेगा और हवाई अड्डे की क्षमता भी ढेर सारी बढ़ने वाली है।